बिहार के नालंदा जिले की रिंकू कुमारी, जिसके दिल में थी स्वच्छ भारत बनाने की जिद। लोगों से बात करते थे तो वो लोग बोलते थे कि ये काम मतलब इतना हो ही नहीं पाएगा, ये संभव नहीं है लोगों का व्यवहार को परिवर्तन करना। जिस समाज में महिलाएं घूंघट तक नहीं उठाती, वहाँ रिंकू ने आवाज उठा ली। बाप रे बाप, अब क्या होगा। रिंकू दीदी और बहुत सारे लोग मीटिंग करने के लिए आते थे, नक्शा बनाकर दिखाते थे, सब तरह से बताते थे, उसी में हम लोग के सोच बदल गया है। इस कार्य को एक अभियान की तरह हम लिए और टिगर किए, शर्मसार यात्रा निकाले, घर घर दस्तक देकर लोगों को मोटिवेट किए, जिसका परिणाम हमको मिला। एक थे हमारे सत्याग्रही जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, और ये हैं हमारी स्वच्छाग्रही बिहार के नालंदा की रिंकू कुमारी, जिन्होंने अपने गांव को गंदगी से आजादी दिलाई। धन्यवाद रिंकू जी स्वच्छाग्रह के लिए।